तो सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, रात को सो भी सही नहीं पाता था मैं। अब बड़ा इजीली सो पाता हूँ, आराम से सुबह उठता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में इससे अच्छी सांस पहले कभी ली नहीं है। मैं बहुत सालों से, करीबन 15-17 सालों से परेशान था। एक नाइट एक इस तरफ की नोज तो मेरी 100% ब्लॉक थी, और इस तरफ भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी। फिर मुझे सर का पता चला जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं इनके पास आया। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सजेस्ट किया कि आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने जो एक दिन का प्रोसीजर था, इन्होंने फिर मेरे को ऑपरेट किया। अच्छा रवि, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, और ये अमूमन नोज सर्जरी से बहुत डर लगता है, आपको ऐसा नहीं लगा कि आज सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी? सर मुझे डर तो बहुत लगा था, लेकिन आपके द्वारा जो सजेशन दिए गए, जिस हिसाब से मुझे ट्रीट किया गया, मुझे सर बेटर फील हुआ और मैं जल्द ही रेडी हो गया। और विद इन 2 डेज के अंदर मैंने प्लान कर लिया, और सर अब ऑपरेशन के बाद मैं काफ़ी रिलीफ फील कर रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। पहले मैं मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, रात को सो भी सही नहीं पाता था मैं। अब बड़ा इजीली सो पाता हूँ, आराम से सुबह उठता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में इससे अच्छी सांस पहले कभी ली नहीं है। अच्छी बात है। अच्छा देखो, अभी जस्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग बिचारे हैं ना, क्योंकि नोज अपने शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, रिसेप्शन है ब्रीदिंग का। बहुत सारे लोग अभी भी परेशान रहते हैं, एंड नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, उनको खर्राटे आ रहे हैं। आपकी तरफ से उनको क्या इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि क्या करना चाहिए उनको? मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल सर से, और ख़ासकर इस हॉस्पिटल में आके डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आगे जाके ये ऐसी चीज़ है जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी आपके पैदा कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर ना करके जल्दी से जल्द दिखाना चाहिए, ताकि आपकी आगे की लाइफ सुधर सके। और हमारे साथ इवन ये प्रॉब्लम हमें ही नहीं रहती, हमें जब ये प्रॉब्लम है तो इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो हम हमारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, खुद के लिए भी हमें बिल्कुल ये स्टेप लेना चाहिए।